वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज जो है मैं जा रहा हूँ सोमनाथ, जो कि 432 किलोमीटर दूर है द्वारका से। और अभी मैंने ट्रेन की टिकट ले ली है जो कि 8:43 पे आएगी। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ नई जगह देखने के लिए। और मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं जिनसे मैं आपको मिलाता हूँ। एक है गुड्डू शेफ और दूसरे हमारे नए मेंबर मुकेश शेफ। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे सोमनाथ के लिए। तो आइए गुड्डू साहब से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। बताइए गुड्डू साहब। बहुत अच्छा लग रहा है। और मुकेश साहब आप बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई गाइज। और जैसे कि हम लोग पूरा रात ट्रेन में सफ़र किए, सो भी गए थे और पहुंचने वाले हैं 20 मिनट बाद सोमनाथ स्टेशन। तो गुड्डू साहब के चेहरे की जो हंसी है वो साफ साफ बयां करती है कि कितने खुश लग रहे हैं वो। क्या कहना चाहेंगे गुड्डू साहब आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी का जो है व्यूज़ हम वहाँ जाके देखेंगे और जो भी आरती दर्शन है वो तो सब आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए चैनल में बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। तो फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए हैं जो कि स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप वहां से ऑटो भी कर सकते हैं, मात्र 20 रुपये एक सवारी का किराया लेगा वो। बाबा सोमनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। जैसे कि और मंदिर की तरह यहाँ पर भी फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर। हमारे जो फ़ोन है वो बाहर ही जमा हो गए थे। फ्री काउंटर था, कोई पैसा वगैरह नहीं लिया हमसे। मंदिर काफ़ी अच्छा है अंदर से और काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है, जिसके कारण यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो गुड्डू साहब से पूछते हैं कैसा लगा उन्हें अंदर जाके। बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने तो पहाड़ी टोपी भी लगाई है देखिए। और ये हमारे मुकेश साहब। साहब कैसा लगा आपको अंदर जाके? बहुत अच्छा लगा। जाता है कि जो ये त्रिशूल का जो दिशा है इसकी पूरी सिदाई में आप ये देख सकते हैं यहाँ समंदर है। दक्षिणी दिशा तक बीच में कोई भी टापू या कोई आइलैंड नहीं है। ये जो यहाँ से सीधा कोई जाएगा तो सीधा दक्षिण की ओर मिलेगा, ऐसा माना जाता है। प्रसिद्ध राम मंदिर जो कि स्थित है सोमनाथ में। काफी भव्य मंदिर है राम जी का। जय श्री राम। फाइनली हम रूम में पहुंच गए हैं। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाकर और बाबा सोमनाथ जी के दर्शन भी हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि एक बार आप भी ज़रूर जाइएगा। और अगर आप बस से जाते हैं तो बस से आपको जो है 136 से 140 रुपये का किराया लगेगा। और वहीं अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो हमने तत्काल में करवाया था तो हमारा द्वारका से सोमनाथ का किराया लगा 380 रुपये। और उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा भी लिए ट्रेन ने, बल्कि बस में जाने से हमारे 2 घंटे बचे हैं। 7 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार ज़रूर जाएं और सोमनाथ बाबा के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ चैनल में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।